हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। केदार कंठा। तो इसमें बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रहा है, और अभी सो रहे हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठें। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो जैसा कि आपने कल देखा था, यहाँ पूरा खाली मैदान था, और सुबह उठते ही जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया है, पूरा का पूरा होशो हवास बदल गए, बर्फ से पूरा भर गया। एज यू कैन सी, अमेजिंग, जबरदस्त बर्फ पड़ रही है यार, मजा आ गया। कल रात से बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि हटके हाथ में आ गई है। हाय गाइस, आर यू एंजॉयिंग? यस यार, सच में यार, किस्मत चमक गई हमारी। कल देखो इतना सनी वेदर था, आज इतना हो गया। पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ देखो गिर गया। वाह, सो गाइस यहाँ पे हम स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लोग बना रहे हैं स्नोमैन, बढ़िया। पेट तो काफी मोटा बना दिया स्नोमैन का। नहीं, उसी का बेस मोटा बेस बन रहा है, नहीं उतना बेस ज्यादा हो रहा है। ऐसे करके गोल गोल पहले करते, यहाँ पे सारे मटका बनाई है। नो नो नो, क्या बन गया? पहले मटका बने ना, फिर लास्ट में साइड साइड से कर्व, एक मटका अलग से बना के लाते, उसको रखते हैं इसके ऊपर। हाँ हाँ, तब थोड़ा चिटकोड हो जाएगा। गोला गोला बना के बाल गीला। यहाँ पे जय मैडम स्नोमैन को सेफ देते हुए। अच्छा, आप लोगों ने स्नो पहले देखी हुई है? अभी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम, सबका फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? सिक्स्थ टाइम है। तुम्हारा तो खैर है ही, तुम एक्सपीरियंस होल्डर हो। आपका फर्स्ट टाइम? मैं तो कई सालों के बाद आज देखी स्नो पड़ते हुए, स्नो फॉल काफी टाइम बाद देखा। मैडम आपने एक साल में कितने बार देख लेते हो स्नो? आपका तो रोज का ही है, आपका तो रोज का ही है। इनके तो घर पे मस्त पड़ती है यार। सो गाइस, ये स्नोमैन रेडी हो गया है, और भाई ने ये मुंडी पकड़ी हुई है उसकी। चलो ये रखो, जान फूकी जाए इसमें, टूट जाएगा पर ये इसको तोड़ो। लावर द बॉक्स, सारे इंजीनियर्स अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। ये लगाओ, गर्दन सकते हो नीचे भैया, मुंडी नीचे भी हो जाएगी सर, नीचे आएगा। चलो बच्चा लोग तालियां बजाएगा। अब स्नोमैन रेडी हो गया है, बस हाथों की कमी है इसकी, बस अब नोज की भी कमी है। लास्ट में फाइनल टचअप दिया जाएगा, लड़कियों को बुलाओ टचअप देने के लिए। ट्रैक गाइड फाइनल टचअप देते हुए। हाँ, अरे अरे, ये तो मुंडी तोड़ दी ट्रैक गाइड ने। नाक टेढ़ी कर दी इन्होंने। ये कौन सी नाक है भाई? ये तो जीभ लग रही है मुझे बाहर को निकली हुई। टिक टिक टिक, वेरी गुड, फाइनली नाक बन गई है। अब आगे बढ़ेंगे। आप ये कलाकारी करो भाई, कहाँ से आप, कौन से इंजीनियर हो? आईटी से हो या फिर आर्किटेक्चर? सिविल इंजीनियर भाई साहब। प्लांट कर रहा है ये लड़कियों, संभल के रहना, स्नोमैन आ गया हमारा। स्टाइलिश कूल ड्यूड। क्या बात है, पीछे हो जाओ, एक फोटो ले। हाँ, सो गाइस, अभी हमने स्नोमैन बना के मस्ती वस्ती कर ली है, काफी भीगने लगे, जैकेट वैकेट भीगने लगी, तो हम सोच रहे अभी पानी वानी पी लेते हैं, फ्रेश रेश होके। हाँ, गर्म पानी ऑब्वियसली, बर्फ में तो गर्म ही पिएगा आदमी भाई। तो फ्रेश रेश होके फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, तो आज का थोड़ा स्नोफॉल ही है, तो अभी पता नहीं क्या सीन है आगे, अभी बताएंगे ट्रैक लीड हमारे कि आगे का क्या आइटनरी रहने वाली है अभी। सो गाइस, एक चीज बतानी थी आपको, यहाँ पे स्नो के बीच में ना, ये देखिए नेचुरल वाटर आ रहा है, जो कि अभी हम पीने वाले हैं, बिल्कुल एकदम ठंडा।
ये देखिए तो आप समझ रहे हैं पानी ऐसे जम जा रहा है और उसी पानी को अब हम पीने वाले हैं। तो बेसिकली ये पानी बहुत फ्रेश है और काफ़ी इसमें क्या बोलते हैं उसे मिनरल्स हैं, तो इसलिए हम इसे पी के ट्राई करेंगे। इसको पूरा प्रॉपर वे में चिपकाना है ऐसे करके, ये चिपक गया ठीक है भाई। तो इसके बाद एक यहाँ पर भी है वो भी लगा दो। लास्ट स्टेप ये है कि जो इसका हुक है ना इसको अपने लेस में लगा देना ताकि स्लिप ना हो। सो गाइस अभी यहाँ पे सुबह के 3 बजे से लगातार स्नो पड़ रही है तो अभी कुछ भी प्लान बन नहीं पा रहा है। आप जैसे कि देखेंगे ये पूरा हमारा जो टेंट वगैरह है पूरे स्नो में दब गए हैं, लगातार स्नो पड़ रही है। और ये देखिए तो फिलहाल अभी तो हम बेस कैंप की ओर नहीं जा रहे हैं, तो अभी प्लान ये है कि अब यहाँ से हम जूडा के तालाब तक जा रहे हैं। हमने गेटर्स वगैरह पहन लिए बिकॉज स्नो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जूडा का तालाब, वहाँ देख के आते हैं क्या माहौल है। आई थिंक वहाँ भी स्नो काफ़ी सुंदर लग रहा होगा तालाब। और जो जिस रास्ते से अभी तुमने देखा था ना कल वीडियो पे, जिस रास्ते से हम आ रहे थे जो स्लिपी हो रहा था वो रास्ता बिल्कुल गायब हो गया स्नो से, इतनी स्नो पड़ी हुई है। ये देखो आप कहाँ से आए मैडम? रांची। रांची से आई मैम, क्या नाम है आपका? नूतन। नूतन मैडम आई है रांची से, आपने फर्स्ट टाइम देखी स्नोफॉल? हाँ यस। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कैंप साइट कैसी लगी? बहुत अच्छा, अमेजिंग है ना, बिल्कुल हटके एकदम, बिल्कुल एक नंबर, बहुत शांत सही में। और अभी जो वेदर है ना, वेदर की वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ वहाँ पे जूडा के तालाब तक जाएंगे, वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह होगी और पूरी टीम पीछे से चल रही है। हमारे भाई लोग बोल दो भाई भारत माता की दरबार की जय। ये हमारी ट्रैक लीड सबसे आगे जा रही है, ये हमारे लिए बलिदान दे रही है, कहीं पे फिसलना होगा तो फिसल जाएगी। ये हमारी ट्रैक लीड है, इनको बाहर से बुलाया गया है, रांची से नहीं, कहाँ से, भुवनेश्वर से बुलाया गया है इनको, पटना से बुलाया गया है। सो गाइस ये है मेरे पीछे जूडा का तालाब। अभी स्नोफॉल की ज़्यादा हुई थी रात से, तो पूरी स्नो एक लेयर सी जम गई है इसके ऊपर। हालांकि कल भी ये पूरा जमा हुआ था, तालाब आधा फ्रीज था। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये जो स्नो की लेयर है इसके अंदर अगर आप इसे हटाओगे तो ये देखो पूरा पूरा तालाब जमा हुआ है, पूरा फ्रीज है। तो अगर इसको हटाया जाए तो पूरा पानी इसके अंदर निकलने लग जाएगा और काफ़ी स्लिपरी भी हो रहा है। तो फिलहाल इसके ऊपर बर्फ़ डाल देते हैं ताकि कोई फिसले ना। एक अलग ही एक्सपीरियंस है सीरियसली। वाह वो देखो भाई, ये भाई तो नंगा ही हो गया यार। थैंक्स मेरे भाई। क्या नाम आपका? सुपर्ण। भाई कहाँ से आए हो? जूडा के तालाब से मैं वापस आ गया हूँ बिकॉज स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है और कपड़े भी बहुत भीग रहे हैं और प्लस कैमरे की भी बैटरी ना ख़त्म होने लगी है और यहाँ पे बैटरी भी लिमिटेड है और प्लस मेरी मेमोरी भी लिमिटेड है। तो आई थॉट कि वापस चलते टेंट में, प्यास भी लग रही है, थोड़ा कुछ चाय वाय पीते हैं बढ़िया करके, तो इसलिए कैंप साइट वापस जा रहा हूँ।
और अभी मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है स्नोफॉल देख के, बट जो मैं अभी थोड़ा चिंता का विषय मेरे लिए यह है कि यार समिट कैसे हो पाएगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आज बेस जाना था बट आज स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, ऊपर विंडी भी बहुत ज़्यादा है। आपको मैंने बताना भूल गया, कल रात को ना इतनी तेज विंड चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कैंप जो हम जिस टेंट में हम सो रहे थे वो उखड़ जाएगा पूरा, इतनी तेज विंडी था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जो बेस कैंप है वहाँ पे मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, विंडी ज़्यादा है और स्नोफॉल तो लगातार हो ही रही है। तो लेट्स सी, इनका कहना है कि अगर वेदर ऐसा ही रहा तो कल स्नोफॉल अगर थोड़ा सा रुकता है तो कल बेस कैंप जाएंगे। समिट का कुछ अभी तक कुछ कह नहीं सकते बिकॉज वहाँ पे जो स्नो है काफ़ी कमर तक स्नो आ गई है, तो अगर वहाँ पे रास्ता इन्होंने बनाया, वहाँ पे रास्ता बनाने के लिए भी टाइम लगता है, तो फिर हम समिट करेंगे फिर पता नहीं। भाई तुम लोग कहाँ गए थे, क्या करके आगे सब कुछ क्या कर रहे हो भाई तुम यहाँ? अच्छा अच्छा, हम जा रहे थे एक्चुअली बेस कैंप, मैगी चाय वगैरह नाश्ता वास्ता। भाई तुम तो सरदार जी लग रहे हो पूरे, ने रोक लिया है इसलिए हमको भी आप ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बर्फ बहुत ज्यादा है। हाँ वही मैं बोल रहा था, विंडी बहुत ज्यादा है, अभी लोग जो आ रहे हैं नीचे से बता रहे थे बेस कैंप के लिए जाने नहीं। तो चलो चलते हैं अपने टेंट की ओर, को चाय वाय पीते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बेस कैंप पहुंच गए, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे है।